हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम मिथिल है और आज की वीडियो ऑसम होने वाली है, और ऑसम ही ऑसम होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। और आने वाले टाइम में आपको फेसबुक में चेंजिंग देखने के लिए मिलने वाली है, एक अपडेट आने वाली है जिसमें उनकी एप्लीकेशन पूरी चेंज हो जाएगी। एप्लीकेशन के साथ साथ वेब जो है वो भी चेंज होगी, लेकिन अभी आज हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक, और चलते हैं साथ में इंट्रो के साथ में ही उसके ऊपर एक लुक भी डाल लेते हैं कैसी दिखेगी। भैया जैसे आप लोगों ने देखा कि कितनी चेंजिंग कर दी गई है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स या फिर चेंजिंग की बात करूँ, तो सबसे पहले यार देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्लू का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है और उसकी जगह वाइट को यूज़ किया गया है। और कहीं कहीं जहाँ पर ब्लू है वहाँ पर हल्का हल्का जो लाइन्स हैं उसको ब्लैक कर दिया गया है, और मतलब जो आइकन्स हैं उनको ब्लैक कर दिया गया है और आइकन्स टोटली चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभी आप ऊपर देख सकते हो इस तरह के काफ़ी अच्छा एकदम लुक कर दिया है। वो मैं बताता हूँ कि ब्लू को क्यों रिड्यूस किया और वाइट को क्यों यूज़ किया इन्होंने। अगर इसके अनाउंसमेंट की बात कर ली जाए, तो यार ये अनाउंसमेंट एफएट डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने की थी कि यार हम जो अपनी एप्लीकेशन है मतलब फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं आएगी, तो अपडेट आने वाली है उसके अंदर पूरी कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाएगी और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उनका ये कहना है कि यार फेसबुक जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ग्रुप्स पर, वेब पर भी और एप्लीकेशन पर भी, ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर। आपको पता है कितनी मतलब खासतौर पर एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट चलती है ग्रुप्स वगैरह में, इन सब चीज़ों के ऊपर सिक्योरिटी वगैरह पर बहुत काम कर रहा है खासतौर पर ग्रुप्स के अंदर। तो उसने फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग हैं उन्होंने ये बोला है कि हम ग्रुप्स वगैरह पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो देखो आने वाले टाइम में क्या हमें ग्रुप्स के बारे में अपडेट देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बोला है कि जो नई एप्लीकेशन है उसके अंदर काफी ज्यादा क्लीन लुक होगा, जो कि अभी दिख भी रहा है यार, अभी बहुत ज्यादा क्लीन लुक है। इसके अलावा स्पीड जो होगी इसकी बहुत ज़्यादा मतलब डबल हो जाएगी, इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको, और जो खासतौर पर 4G वगैरह यूज़ करते हैं उनको डबल स्पीड मिलेगी। मतलब हम 4G हम यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त चल रही है, सोचो इसका डबल हो जाएगा तो क्या ही बात होगी। तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मोर स्पीड आपको मतलब ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा इस तरह भी आपने देखा हैरान कर देने वाले बात, फेसबुक को नया लोगो भी आ चुका है, तो मतलब जो एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है वो नया लोगो भी यूज़ होगा, वेब में भी नया लोगो यूज़ होगा, तो फेसबुक ने नया लोगो भी अपना लॉन्च किया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू कलर को रिड्यूस करके वाइट क्यों यूज़ किया है, तो अब यहाँ पर एक और ये न्यूज़ है और ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है, ऑलमोस्ट कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म ही है कि नई एप्लीकेशन में डार्क मोड का फीचर आने वाला है। तो मतलब आप फेसबुक में भी डार्क मोड को यूज़ कर पाएंगे, मतलब रात को डार्क मोड का कितना अच्छा लगता है। पर्सनली मैं सारे जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें डार्क मोड को यूज़ करता हूँ, तो फेसबुक का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। तो फेसबुक जो अब नई एप्लीकेशन आ रही है उसमें आपको डार्क मोड भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि जो ऊपर के नैव बार वाले जो आइकन्स होते हैं वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए हैं, रिक्वेस्ट वाले और जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैसेजेस वाले सब चेंज कर दिए गए हैं टोटली। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि मैसेंजर जो है वो बिल्कुल नया कर दिया गया था, बिल्कुल उसका लुक चेंज कर दिया गया था। अब फेसबुक की बारी है, तो फेसबुक अपनी जो ऑफिशियल ऐप है उसको चेंज करने वाला है, और ये जो अपडेट आने वाली है ये कनाडा और USA में पहले आएगी, उसके बाद में जो कंट्रीज हैं उसके अंदर भेजी जाएगी। सो आज के वीडियो में दोस्तों बस यही था, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, उसके बाद शेयर करो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने चैनल पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।